हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर में आज जो हम पढ़ेंगे वो हम अपने पहले चैप्टर और अपनी पहली यूनिट में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जब लास्ट टर्म में हमने पढ़ा था तो हमने वायरस के बारे में डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के बारे में। देखिए, हमारे वातावरण में अनेक ऐसे सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। तो आज हम सबसे पहले बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे कि उसके जनरल कैरेक्टर क्या है। आइए समझते हैं कि उसके जनरल कैरेक्टर क्या है। देखिए, सबसे पहले बैक्टीरिया जो है, जो हमारे हॉलैंड के साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉफ, उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। उन्होंने हमें बैक्टीरिया के बारे में बताया कि हमारे चारों ओर के वातावरण में अनेक ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। देखिए उसके जनरल कैरेक्टर क्या है। तो पहला उसका जनरल कैरेक्टर ये है कि ये कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जीवाणु हैं जो अत्यंत साधारण होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और जो कि इसमें जल में, मिट्टी में, हवा में और जंतुओं और पौधे के अंदर पाए जाते हैं। यानी वो सूक्ष्म जीव हैं जो कि बहुत ही छोटे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मुख्य रूप से जल, मिट्टी, हवा, जंतुओं और पौधे के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कैसे हैं, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, एक कोशी जीव है, एक कोशी ऑर्गेनिज्म है जो कैसे रहते हैं, समूहों में रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि ऑटोट्रोफिक। देखिए ये विभिन्न प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे जीवाणु जो होते हैं वो विभिन्न विभिन्न तरीके से भोजन को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी यानी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जो रासायनिक संश्लेषण यानी कीमोसिंथेसिस क्या होता है, जो भी हमारी रासायनिक संश्लेषण है या जो भी हमारी फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, स्पैरो फर्टिक यानी मृत्यु पर जीवी क्या करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। तो इसे हम जिसे क्या है, डीकम्पोजिशन यानी अपघटन की क्रिया होती है। जब कोई जीव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करता है तो कौन सी क्रिया होती है, अपघटन की क्रिया होती है और ये जीवाणु क्या कहलाते हैं, हमारे डीकम्पोजर कहलाते हैं यानी अपघटक। नेक्स्ट पॉइंट समझिए क्या होता है, सिम्बायोटिक होते हैं यानी कुछ जीवाणु, जो हमारे कुछ जीवाणु हैं वो कैसे होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं यानी सहजीवी होते हैं। सहजीवी होते हैं जो क्या होते हैं कि जो दलहन वाले पौधे जो होते हैं यानी जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। लेग्यूमिनस का अर्थ क्या है, दलहन वाले पौधे। तो जो दलहन वाले हमारे पौधे होते हैं उनकी जो रूट नूडल्स होती है, रूट नूडल्स जानते हैं क्या होता है, जो जड़ों की गांठें होती हैं उनमें ये हमारे जीवाणु होते हैं और जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। ये देखिए आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में भी कभी कभी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे जीवाणु होते हैं कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा, जीवाणु हमारे
सहजीवी होते हैं, सिम्बायोटिक्स होते हैं। सिम्बायोटिक्स होते हैं जो किस उसमें होते हैं, जो हमारी लेग्यूमिनेसी, जो हमारी लेग्यूमिनेसी यानी दलहन की जो फसलें होती हैं उनमें ये मुख्य रूप से प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ पे होते हैं, जो उनकी जड़ें होती हैं, जड़ों की गांठों में ये मुख्य रूप से उपस्थित रहते हैं। एक क्वेश्चन और भी पूछा जा चुका है आपका कि ये किस नाइट्रेट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, कि नाइट्रेट को किस में बदलते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या करते हैं, नाइट्रेट के रूप में इसको परिवर्तित करते हैं। आइए अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिए जो हमारा बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया में हमारे रिप्रोडक्शन भी होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन के जनन भी होते हैं। तो देखिए कौन कौन सा जनन होता है, वेजिटेटिव जनन, वेजिटेटिव यानी कायिक, कायिक जनन होता है, एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल का अर्थ क्या है, अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो हम क्या कहेंगे कि जीवाणुओं में कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन भी मुख्य रूप से मौजूद होता है। अब देखिए जो हमारा एसेक्सुअल यानी जो हमारा अलैंगिक जनन है वो किस किस रूप में होता है, देखिए बडिंग यानी मुकलन, हिंदी में बडिंग को क्या कहते हैं, मुकलन, और फ्रेगमेंटेशन को हम क्या कहते हैं, विखंडन, विखंडन के द्वारा होता है, और किससे होता है, एंडोस्पोर, एंडोस्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा होता है, यानी कि अंतः बीजाणु निर्माण के द्वारा भी होता है। आप देखिए जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है, तो जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, जो हमारा लैंगिक जनन होगा। तो लैंगिक जनन कैसा होगा, हमारा कॉन्जुगेशन यानी संयुग्म, और कैसे होगा हमारा जो है होगा ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण के द्वारा होगा, और ट्रांसडक्शन यानी पराक्रमण के द्वारा भी इसका हमारा जनन होता है। तो ये हमने आपको क्या बताया कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसमें कौन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है यानी कौन कौन सा जनन होता है, तो कायिक होता है, अलैंगिक होता है, लैंगिक जनन होता है। अब देखिए इसमें हमारा आया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि विखंडन होता है, यानी कि जब कोई अपने एक पार्ट से अलग होकर दूसरे पार्ट का निर्माण करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विखंडन, खंडीभवन या फिर फ्रेगमेंटेशन। आइए अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि बैक्टीरिया कैसे होते हैं। बैक्टीरिया हमारे होते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं, स्पाइरल होते हैं, स्पाइरल मीन्स सर्पिल होते हैं, और रॉड शेप होते हैं, यानी कि रॉड शेप छड़नुमा होते हैं। स्पाइरल की फॉर्म हमारी क्या होती है, इस प्रकार, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएंगे, स्पाइरल, ठीक है, घुमावदार संरचना के होते हैं। नेक्स्ट देखिए कैसे, हमने आपको बताया गोलाकार होते हैं, सर्पिल होते हैं, और कैसे होते हैं, रॉड शेप यानी कि छड़नुमा हमारे बैक्टीरिया होते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन। हाँ, अब हम इसका एक और चीज़ देखेंगे। देखिए जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, यानी वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एट्राइकस। जिस बैक्टीरिया में नॉन फ्लैजिला यानी फ्लैजिला उपस्थित नहीं होगा वो हमारा कहलाएगा एट्राइकस। और नेक्स्ट देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जीवाणुओं में जब एक सिरे पर एक ही फ्लैजिला होगा तो मोनोट्राइकस, अगर दो फ्लैजिला होंगे तो एम्फीट्राइकस, और अगर फ्लैजिला हमारे ग्रुप में होंगे यानी समूहों में होंगे, गुच्छों में होंगे, तो सिफेलोट्राइकस। अगर हम इसको इस तरीके से समझें तो देखिए जब कोई बैक्टीरिया है उसके एक शीर्ष पर एक फ्लैजिला निकला तो ये हमारा क्या होगा, मोनोट्राइकस, और अगर उसमें एक साथ दो फ्लैजिला निकले तो क्या होगा, एम्फीट्राइकस, और अगर वो गुच्छों में होगा, ग्रुप में होगा, देखिए ये गुच्छों में है, ग्रुप में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिफेलोट्राइकस। आइए अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कैसे होते हैं, यूजफुल और हार्मफुल, यानी बैक्टीरिया हमारे कैसे होंगे, कुछ तो हमारे बैक्टीरिया लाभप्रद होंगे और
और कुछ हमारे हानिकारक होंगे, यानी दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। आइए अब हम देखते हैं बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को, यानी उसके वर्गीकरण। तो देखिए बैक्टीरिया का जो वर्गीकरण है वो 1957 में किसने दिया, बर्गे मैनुअल ने दिया। इसको इन्होंने 10 ऑर्डर में बांटा, यानी 10 वर्ग में इसको 10 गणों में बांटा गया। 10 गणों में क्या है, देखिए सबसे पहला हम देखते हैं कौन सा है, स्यूडो मोनाडेस। नेक्स्ट हमारा है क्लेमाइडो बैक्टीरियस। नेक्स्ट है हाइफो माइक्रोबियस, और नेक्स्ट फोर्थ है यू बैक्टीरियस। नेक्स्ट हमारा है एक्टिनो माइसिटियस। नेक्स्ट कैरियोफेनियस, बैगियोटेस, मिक्सो बैक्टीरियस, स्पायरोकीटस और माइक्रोप्लाज्मिटिस। ये हमारे जो वर्गीय मैनुअल है उन्होंने 1957 में इसको ऑर्डर, यानी उसको गणों में बांटा। कितनी गणों में, 10 गणों में बांटा, और ये 10 गण हमारे दिए हैं। आइए अब हम एक एक गण को देखते हैं, एक एक ऑर्डर को देखते हैं। देखिए जो हमारा स्यूडो मोनोडेस, जो हमारा पहला ऑर्डर है, ये कैसा होता है, रॉड शेप होता है और मोटाइल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा है क्लेमाइडो बैक्टीरियस, ये कैसा होता है, ये भी मोटाइल फॉर्म में होता है और कैसा होता है, हमारा ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी होता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है हाइफो माइक्रोबियस, ये कैसा होता है, ये हमारा स्टॉप यानी ग्रंथ से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा है यू बैक्टीरियस, ये कैसा होता है, स्फेरिकल और ग्रॉ शेप होता है। फिफ्थ है हमारा एक्टिनो माइसिटेस, तो देखिए जो एक्टिनो माइसिटेस है कैसा होता है, शाखित होता है, शाखित जाल का बना हुआ होता है। नेक्स्ट सिक्स है हमारा कैरियोफेनेस, कैरियोफेनेस क्या होता है, ये फिलामेंटस होता है यानी तंतुमय होते हैं और जिसमें फ्लैजिला पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा सेवन कौन सा है, बैगिया टोरिस, ये कैसा होता है, इसके अंदर ये रोलिंग गति करता है यानी घुमावदार की गति करता है और इसमें क्या होता है, फ्लैजिला नहीं पाई जाती। नेक्स्ट हमारा है मिक्सो बैक्टीरियस, ये कैसा होता है, इसकी जो सेल होती है, कोशा होती है, कैसी होती है, फ्लैक्सीबिलिटी होती है यानी वो लचीली होती है। नेक्स्ट हमारा है स्पायरोकीटस, ये भी कैसा होता है, सर्पिल होता है, यानी मैंने आपको क्या बताया था, आपका सर्पिल स्फेरिकल होता है यानी कैसा होगा, हमारा घुमावदार संरचना का। नेक्स्ट हमारा क्या है, माइक्रोप्लाज्मिटस कैसा है, तो देखिए ये छोटा होता है और नॉन मोटाइल फॉर्म में होता है। तो देखिए आज हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में, मैंने आपको बताया कि कौन थे ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज करी, उसके जनरल कैरेक्टर क्या है, कैसा होता है हमारा बैक्टीरिया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, रॉड शेप होता है, स्फेरिकल होता है, और हमने आपको बताया कि कैसा उसमें जन्म कितने प्रकार के होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये उसमें जन्म होता है। नेक्स्ट अगर एक फ्लैजिला है उसमें तो मोनोट्राइकस, दो है तो एम्फीट्राइकस, और अगर गुच्छों में है तो उसको हम करेंगे सिफेलोट्राइकस, और अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया जो नॉन फ्लैजिलेटेड है तो क्या कहलाएगा, एट्राइकस। नेक्स्ट देखिए जो हमारे बर्गे मैनुअल थे उन्होंने 1957 में किसी 10 ऑर्डर में विभाजित किया, वो 10 ऑर्डर हमने आपको बताया कि कौन कौन से ऑर्डर हैं और किस ऑर्डर के अंदर हमारा बैक्टीरिया कैसा होता है। तो ये हमारा BSc फर्स्ट ईयर का चैप्टर फर्स्ट में पहला जो यूनिट में आपका नेक्स्ट टॉपिक था बैक्टीरिया, लास्ट टर्म में हमने वायरस पढ़ा था। आई होप आज का टॉपिक बैक्टीरिया आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे जो आपका होगा PMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। थैंक यू।